तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दिस इज़ रमेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर्टेक तो आज एक मॉस्किटो रॉकेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक्चुअली में इसकी स्पार्क जो है वो कम हो गया है तो स्पार्क कम हो गया है इसके लिए हम कुछ सोल्यूशन है हमारे पास नॉर्मली यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि क्या जो है पी चेंज करने से जो है वो स्पार्क से जाता है तो हाँ बिल्कुल उससे सही होता है लेकिन उसके बाद भी अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आपको लगती है तो उसके बाद भी आप इसको सही कर सकते हैं तो चलिए इसी चीज से उसको ओपन कर लेते हैं फिर वीडियो को आगे लेके चलते हैं तो मैं यहाँ पे सारे स्क्रूज को जहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ ठीक है इसको आपको आराम से थोड़ा सा इसको निकाल ले रहे हैं कुछ इस तरह से मैं आपको बता दो फ्रेंड्स कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखेगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अपलोडिंग में और भी आपको देखने में तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसकी दो वायर है यहाँ पे देखिए जो कि आपकी इंटरनल जो है जाली से आती है तो इसको हम डिसोल्ड कर दे रहे हैं ये मेड और जिसके स्विच को भी हम बंद कर देते हैं ठीक है अब देखिए ये वाला जो वायर है ये रेड वाला और यहाँ पे दो येलो वाले वायर हैं ये दोनों यहाँ पे लगे थे ठीक है इसको हमने डिसोल्ड कर दिया है तो ये वाला जो वायर है दोनों येलो वाला ये आपके जो ऊपर की लेयर होती है जो ऊपर वाली जाली ये आप देख सकते हैं मैं को दिखाऊं यहाँ पे तो ये वाली जो जाली होती है एक वायर इसका होता है येलो वाला ठीक है और ये जो पीछे वाला है ये येलो वाला यहाँ पे जो वायर होता है और इसके पीछे भी जो एक जो जाली है वो होती है येलो वायर यानी दो येलो वायर हो जाए हमारी और आप देखिए इसके बीच में एक जाली होती है जो छोटी छोटी जालियाँ होती हैं वो क्या होता है उसकी रेड वायर होती है ठीक है इन दोनों से करंट होकर पास जाता है और उसके बाद जब दोनों एक दूसरे से टच करते हैं तब जाके स्पार्क बनता है और जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो किल होते हैं ठीक है तो इसको आज हम थोड़ा सा रिपेयर करने वाले हैं एक्चुअली में स्पार्क जो है यहाँ पे कम था और मॉस्किटो तो एक्चुअली में टच नहीं कर पा रहे थे तो सबसे पहले हम इसके पीस पीसी भी को ओपन कर लेते हैं तो इसको ओपन करने के लिए एक छोटा सा स्क्रू है यहाँ पे उसी से हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे ये यह स्क्रू है इसको हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से ये ओपन हो गया और इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं अब ये देखिए ये जो यहाँ पे पी लगा हुआ है ये कुछ इस तरह का आपका जो है वो पी सी बी यहाँ पे है ठीक है ये जो पी एफ आपको लगा हुआ है इसी जैसे इस पाक की कमी है इसको आपको चेंज कर देना है तो इसको हम चेंज कर लेंगे और उसके बाद की एक प्रोसेस जो और है उसको भी हम आपको बताएंगे ठीक है कि उसको हम कैसे जो है इस पाक को और अच्छा कर सकते हैं YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं फ्रेंड्स जिसमें सिर्फ पी एफ चेंज करके इस पार्क सही कर देते हैं और ये वो नॉर्मली वर्क करता है जी हाँ वो नॉर्मली वर्क करता है बट आप और दो चीज़ अगर दो चीज़ें कर लें तो आपका ज़्यादा बेटर होगी मैंने नोकिया की बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है इसके बारे में अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नॉर्मली कैसे हम बैटरी को अटैच करेंगे ठीक है तो ये ये वाला पी जो है हम इसको चेंज कर लेंगे तो ये एक्चुअली uh, में जो uh, इसकी वो जाली होती है वो थोड़ा सा uh, डस्ट की वजह से थोड़ा सा uh, बहुत ज़्यादा डस्ट इस पर आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं ठीक है ठीके? तो वीडियो एक्चुअली uh, में uh, बीच में पॉज हो गया था uh, थोड़ा सा कैमरा का मेरा इशू था जिसकी वजह से मैं आपको पीएफ जो मैंने uh, चेंज किया मैं उसकी वीडियो आपको दिखा नहीं पा रहा ठीक है तो मैंने और जो है उसके पीएफ को जो है वो मैंने चेंज कर दिया है ठीक है अब जो ये जो वायर है इसको मैं यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ ठीक है तो ये दोनों वायर हैं और इसको सोल्ड करना है लेकिन इसके पहले एक प्रोसेस है उसको मैं आपको बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए ठीक है तो कुछ इस तरह का ये प्रोसेस होने वाला है तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम जाली को ओपन करने वाले हैं और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ से जो है अगर हम ऑन करें देखिए हमने पी चेंज किया हुआ है अब हम इसका स्पार्क थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है तो इसके जो इसका टिप है इसको ये देखिए यहाँ पे आ, इसको मैं टच कर रहा हूँ ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पार्क हो गया है चेंज करते ही आ, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा तो थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ और आ, अब मैं दोनों टर्मिनल को यहाँ पर टच कर रहा हूँ अपने स्क्रो ड्राइवर से ये देखिए काफी अच्छा स्पार्क हो गया है तो आप सिंपली अगर आपका स्पार्क कम है तो आप अपने पी को चेंज कर दें सिंपली ठीक है आप लोग कोशिश करें कि टू थाउजेंड वोल्ट का लगाएं उससे कम का ना लगाएं कि वो टू थाउजेंड वोल्ट से कम का अच्छा वर्क नहीं करेगा ठीक है तो आप जल्दी से क्या कर लेते हैं इसको हम जो है वो डी करते हैं इसकी जाली जाली में क्या इश्यूज आते हैं और वो क्यों जरूरी है करना वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं ठीक है सबसे पहले इसको हम डिसोल्ड कर ले रहे हैं ठीक है यहाँ से हम इसको डिसोल्ड कर दिया हमने लोगों और इसके स्विच को हमने ऑफ कर दिया है अब इस जाली को हमको ओपन करना है तो आप वो नॉर्मली यहाँ से आप निकाल सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले इसकी जो हेड है इसका पूरा उसको हम निकाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है तो आप लोग उसके लिए टेंशन मर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है ठीक है ये मैंने इसको निकाल दिया अब इसकी जाली को हम ओपन कर लेंगे अब वो बहुत संभाल के जो है इसको ओपन करिएगा क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि कभी ये ओपन नहीं होता है अभी तक के यूट्यूब वीडियोस में आपको इसकी ओपन की कोई बारे में नहीं बताया गया होगा क्योंकि मैं इसकी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ ये वीडियो तो इसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से आराम से आपको ओपन करना है जिससे कि आपका जो है ये मैट खराब ना हो ठीक है आप देखिए यहाँ पे तीन जालियाँ आपको मिल जाएंगी एक बीच वाली और दो साइड वाली ठीक है और ये जालियाँ जो होती है वो का, काफ़ी इसमें डस्ट आ गया है ठीक है यहाँ से एक छोटा सा होता है वो इसको हम ऊपर करके यहाँ से निकाल लेंगे ये बीच वाली जाली है जिसको रेड वायर जो मैंने आपको बताया था इस पर देखिए रेड वायर लगा हुआ है ठीक है और इसके बाद की जो जो, जो जालियाँ हैं उस पर नॉर्मली जो है वो येलो वाले वायर वो लगे हुए हैं तो ये जो जाली है ये काफ़ी अच्छी है और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है ना आ, अगर डस्ट ऊपर लग जाता है तो टर्मिलइन पे क्या होता है कि वो जब आ, आप कोई भी मस्कुटी वहाँ पे आता है तो वो जब टच करता है तो वो सीधे स्पार्क पर नहीं बनता तो इसको हम इजिली क्लीन कर लेंगे कुछ तरह के ब्रस से आप लोग ध्यान से ये चीज़ करिएगा हाथ में आपके ना लगे ठीक है और कोशिश करिएगा कि आप लोग इसको जो है बैटरी से डिस्कनेक्ट करके तभी जो है वो क्लीन करिएगा क्योंकि तो स्पार्क का खतरा बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है तो जैसे मैंने किया है वीडियो को आप फॉलो करके ही उसको क्लीन करिएगा ठीक है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी इसके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ और देखिए कितनी गंदी जाली है यहाँ पर इसी को हम क्लीन तो जल्दी से जल्दी हम इसको क्लीन कर लेते हैं तो आपको आप जिससे भी चाहें उससे क्लीन कर सकते हैं आपके पास जो भी घर में ब्रश हो ये मेरा पेंट ब्रश था इससे मैं नॉर्मली अपने जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह को क्लीन करता हूँ तो मैं इसको क्लीन इसी से कर ले रहा हूँ आप अगर और, और, और भी कोई चीज़ है आप छोटा ब्रश है तो उससे भी क्लीन कर सकते हैं बट ध्यान रखें कि थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर दें आप जल्दी से हम इसको असेंबल कर ले रहे हैं ये हमारा क्लीन हो गया ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो भी टर्मिनल होते हैं उसे अटैच करने पर और स्पार्क होता है तो टर्मिनल अगर हमारे गंदे हैं उस पर डस्ट है तो स्पार्क कम हो जाता है ठीक है तो हमने पी भी चेंज कर दिया है और हमने इसको भी क्लीन कर दिया है तो अब हमें आ, होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो जल्दी से हम इसको आ, पूरा असेंबल कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से एक पार्ट हो गया और दूसरे पार्ट को हम इसके जस्ट ऊपर रख के और इसको हम बंद कर देंगे तो इसको मैं वायर को अपने अच्छे से यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि कभी टच ना हो अंदर उसके बाद पूरे आ, उसको हम अच्छे से साइड से दबा देंगे क्योंकि क्लिप बेस होता है तो आप नॉर्मली यहाँ से बंद कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा ढीला है तो आप उस पर एक टेप भी लगा सकते हैं ये मेरा जो है देखिए कंप्लीट हो गया है अब इसके हम बैट को जो है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जैसे था पहले ठीक है अभी देखिए करंट में बीच में जो है छोटी बड़ी जाली और दोनों साइड में जालियाँ हैं इसको हम अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और फिक्स करते हुए ध्यान रखें कि आप लोग स्विच हमेशा ऑफ करके ही कोई काम करें आप लोग रिस्क ना ले तो यहाँ पे ये वायर को हमें सोल्ड करना है दोनों पी पे ठीक है ये दोनों पी जो है इसी को हमने चेंज किया था आपको मैं बता दूँ स्पार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये अगर आप अगर आपके जो है बैडमिंटन आपका अच्छा है ठीक है क्लीन है लेकिन स्पार्क नहीं आ रहा तो नॉर्मली आप इस पी को चेंज कर ले मैंने आपको पहले बताया कि टू थाउजेंड से कम का पी ना लगाएं क्योंकि आपको अच्छा स्पार्क नहीं मिलने वाला तो इसको मैं यहाँ पे दोनों के एक साथ जो है इस पर सोल्ड कर दे रहा हूँ और रेड वाले वायर को उस वाले टर्मिनल पे मुझे सोल्ड करना है ठीक है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो यहाँ पे मैं इसको सोल्ड कर दे रहा हूँ रेड वाले वायर को ठीक है और येलो वाले को यहाँ पे सोल्ड कर दे रहा हूँ आप लोग जब भी अपना ओपन करें बैडमिंटन तो एक बार उसकी फोटो ले लें ताकि आपको वायरिंग कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है आप लोग अगर आ, यूजली इलेक्ट्रॉनिक्स के काम नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है भूल सकते हैं तो सबसे पहले ओपन करने के बाद आप उसकी फोटो ले लें जिससे कि आपको वायर को चेंज अगर आप करते हैं तो बाद आप आप में आपको कुछ भूलें ना ठीक है तो ये एक इसका जो है स्विच है इसको मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ से मैं इसको सिंपली मैं काम करता हूँ अपने जो है आ, तो यहाँ से अब क्या होगा क्या ना कि आ, ये मेरा हिलेगा नहीं बैटरी मैंने नोकी की बैटरी लगाई थी अगर आपको लगता है कि नोकी की बैटरी वर्क अच्छी करती है कि नहीं जी हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क करती है आप लोग लगा सकते हैं थ्री पॉइंट सेवन बोल्ट की कोई भी बैटरी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जो आपका फिट हो जाए तो ये बैटरी एक्चुअली में फिट हो गई थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया था यहाँ से मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ ठीक है आप साइड से देख लेंगे कोई वायर वगैरह ना निकला हो ठीक है अगर निकला हो तो उसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर से अंदर डाल के और आप सिंपली इसको क्लोज कर दें और जितनी भी स्क्रूज़ होते हैं हमारे स्क्रूज़ को लगा दें ठीक है तो कुछ इस तरह का आपका जो है वो बैडमिंटन अभी रेडी हो गया है लास्ट वाला स्क्रू है इसको भी हम यहाँ पर टाइट कर दे रहे हैं अब देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है ठीक है इसको भी थोड़ा सा एक बार और चेक कर लेते हैं थोड़ा टाइट हो जाए तो ये कुछ इस तरह से हमने ऑन कर लिया है ठीक है अभी हम इसके स्पार्क ऊपर फिर से देख लेते हैं ये देखिए अभी स्पार्क देखिए कितना अच्छा हो गया है ठीक है बहुत ही अच्छा स्पार्क हो गया है और काफी क्लीन हो गया है क्योंकि तो क्लीन करने से भी चीजें फायदा हो तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें